नमस्कार दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे चैनल YMW सॉल्यूशन में। तो आज हम लोग जो है महावीर इंडस्ट्री आए हुए हैं, जहां पे फ्लाई एस ईटा बनता है। आप देख सकते हैं ये जो है आपका फ्लाई एस ईटा है, और इस ईटे को बनाने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल आपको लगते हैं और कौन से मशीन का यूज़ किया जाता है, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको इसका इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, ये सारे चीज़ हम लोग बात करेंगे। इसके साथ साथ मैं बता दूँ कि महावीर इंडस्ट्री में जो है फ्लाई एस ईटा बनाने की मशीन भी यहाँ पर बनती है, तो इसके बारे में हम लोग वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको महावीर इंडस्ट्री के ऑनर से मिलवाता हूँ, मिस्टर सुमन सिंह चौधरी जी से। तो मैं आपको बता दूँ कि मिस्टर सुमन जी जो है इनका मोर देन 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। ये जो है खुद का फ्लाई एस ईटा भी बनाते हैं और इनका मशीन भी जो है ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो सर, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे व्यूअर्स को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में दें। जी बिल्कुल, मेरा नाम सुमन सिंह चौधरी हुआ। महावीर इंडस्ट्रीज़ को मैं 10 ईयर से रन कर रहा हूँ, है ना। अपना फ्लाइज ब्रिक्स भी बन रही है, पेपर ब्लॉक्स भी बनती है, और फ्लाइज की मशीन्स भी अपने पास मैन्युफैक्चर हो रही है, और पेपर ब्लॉक की मशीन्स भी अपने पास मैन्युफैक्चर हो रही है ना। कंप्लीट सेट भी अपने प्रोवाइड करते हैं, टोटल जितने भी हमारे कस्टमर्स उनको प्रॉपर गाइडेंस भी करते हैं, क्योंकि मैं 10 साल से फ्लाइज ब्रिक्स बना भी रहा हूँ, है ना। तो किस ढंग से काम करना है, किस रेशियो में मिक्स होती है मटेरियल, सारा कुछ पे अपने गाइड करते हैं, है ना। कहीं पे आपको इश्यूज नहीं आती है। यहाँ पे सर ने बताया कि आपको पेवर ब्लॉक का भी मशीन जो है यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि ये इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। इसके साथ साथ जो है आपको यहाँ पे फ्लाई एस ब्रिक मेकिंग मशीन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सर से बात करेंगे कि सर, अगर कोई इस इंडस्ट्री को सेटअप करना चाहता है तो सर इस इंडस्ट्री को हम लोग क्यों प्रीफर करें, इसमें सर क्या एडवांटेज है, और अभी इसका क्या मार्केट है। अगर मैं फ्लाइज ब्रिक्स की बात करता हूँ, तो आज के डेट में क्या है कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से रेड ब्रिक्स को बैन कर रही है, है ना। एनवायरनमेंट को पूरी तरह से वो नुकसान पहुँचा रही है। इस वजह से क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल ओवर इंडिया अभी जो प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से रेड ब्रिक्स को पूरी तरह बैन करने का काम है इसको, और अभी फ्लाइज ब्रिक्स को उनको प्रमोट करना है। तो अभी जितने भी गवर्नमेंट टेंडर्स आते हैं, है ना, कोई भी स्टेट में, तो हर चीज़ जितने भी टेंडर्स हैं सब में ये मेंशन रहती है कि आपको फ्लाइज ब्रिक्स को प्रेफर करना है ना। और जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जितने भी बिल्डिंग्स बन रहे हैं, हर जगह पे फ्लाइज ब्रिक्स ही लगनी है। ओके, तो जैसा कि अभी बहुत सारे स्टेट में जो है रेड ब्रिक का यूज़ करना बैन कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पे जो है दो प्रॉब्लम आते थे। पहला जो है एक इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम आता था, एंड जो दूसरा है वो माइनिंग का। क्योंकि जब भी रेड ब्रिक का हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको सॉइल माइनिंग करना पड़ता था, और वहाँ पर माइनिंग प्लान भी जो है आपको अलग से बना के डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर से अप्रूवल कराना पड़ता था। तो वो दो चीज़ की जो है हमेशा रहती थी, और पॉल्यूशन क्लियरेंस तो आपको लेना पड़ता था, वहाँ पर NOC लेना पड़ता था। बट अगर आप फ्लाई एश का अगर बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको पॉल्यूशन से कोई भी NOC नहीं लेना पड़ता है। इसमें जो है आपको बहुत ही आसान लाइसेंस है, जिसमें आप लेके जो है इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यहाँ पर आगे और भी जानकारी मिलने वाली है। तो सर, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई भी बंदा इस इंडस्ट्री को सेटअप करना चाहता है तो क्या एरिया की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर फ्लाइज ब्रिक्स की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई फ्लाइज ब्रिक्स की प्लांट उनको अगर लगानी है, तो मिनिमम 20-25 डिसमिल एरिया उनको चाहिए होगी, है ना, टोटल एरिया। और जो अगर शेड एरिया की मैं बात करूं, तो वो डिपेंड करती है पर डे प्रोडक्शन के हिसाब से। सपोज उनकी प्रोडक्शन टारगेट पर डे अगर 10,000 है, तो उनको 2400 स्क्वायर फीट की मिनिमम शेड एरिया बनानी होगी, है ना। रिमेनिंग जो एरिया रहेगी वो स्टॉकिंग के लिए रहेगी। ओके, अगर आप फ्लाई एस ब्रिक का अगर इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जो है 20-25 डिसमिल का रिक्वायरमेंट रहेगा। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्शन कैपेसिटी पे, कि आप पर डे कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। फिर भी अगर हम लोग यहाँ पे एवरेज देखें तो आप 10,000 स्क्वायर फीट जो है एरिया आप इसके लिए कंसीडर कर सकते हैं। सर, इसके बाद मेरा जो एक क्वेश्चन है कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम रहता है कि अगर कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करें तो लाइसेंस क्या क्या जरूरत पड़ेगी इसलिए। जी बिल्कुल, तो बेसिकली इसके लिए क्या क्या लाइसेंस रिक्वायर्ड रहेगी। इनिशियली क्या है कि जो सबसे मेजर थिंग है, दैट इज GST सर्टिफिकेशन। आपको GST सर्टिफिकेट लेनी पड़ेगी। ओके, और अगर आपके लेबर्स अगर ज़्यादा हो रहे हैं, है ना, आज के डेट में मेरे को लगा 10-15 लेबर्स अगर आपके काम करें तो आपको एक लेबर लाइसेंस की भी रिक्वायरमेंट होगी। ओके, बाकी उद्योग विभाग से जो आपका इंडस्ट्रियल पेपर बनता है वो आपको बनानी होगी। तो बेसिकली यहाँ पे अगर देखें तो दो लाइसेंस यहाँ पे आपको मैंडेटरी है, पहला जो है GST, एंड जो दूसरा है आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन है। अगर आपके इंडस्ट्री में अगर लेबर 10 से 12 इंक्रीज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है EPF और ESIC रजिस्ट्रेशन भी लगेगा, और लेबर लाइसेंस भी आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको लाइसेंस बता दिया कौन कौन से लाइसेंस आपको लगने वाले हैं। तो अब हम लोग यहाँ बात करेंगे कि आप अगर इस इंडस्ट्री को सेटअप करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आता है, फाइनेंस की। कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास जो है फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहता है, फिर भी वो इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे स्कीम है जिसके अंतर्गत आप लोन ले सकते हैं। तो लोन के बारे में यहाँ पे हम लोग सर से जानेंगे कि यहाँ पे आपको कौन कौन सी स्कीम के अंतर्गत लोन आपको मिल सकता है। जी श्योर,
अभी जैसे कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स की अगर आप प्लांट प्लान कर रहे हैं और या फिर पेपर ब्लॉक की मशीन्स की प्लानिंग कर रहे हैं ना प्लांट, तो गवर्नमेंट भी इस पर सपोर्ट कर रही है। एक तो एमएसएमई लोन के अंडर पे आपको एक सपोर्ट मिलती है गवर्नमेंट के अंदर, उससे भी जो बेटर प्रपोजल अभी गवर्नमेंट की तरफ से है दैट इज पीएमजीपी लोन, पीएमजीपी लोन, या राइट, अगर उस पर आप जाते हैं तो 35% सब्सिडी भी है ना जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाती है। ठीक है, और जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है दैट इज 50 लाख रुपीज है ना, आप 50 लाख के लिए मैक्सिमम अमाउंट अप्लाई कर सकते हैं और 35% सब्सिडी है उस पर। ओके, तो ये एक बेहतर ऑप्शन मिल रही है सारे कस्टमर्स को। तो अब हम लोग यहाँ बात करेंगे कि अगर आप फ्लाई ऐश ईटा बनाने की अगर उद्योग स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए जो है आपको कौन कौन से रॉ मटेरियल आपको लगने वाले हैं। इसमें मेनली तीन कंपोनेंट्स लग रही है। ओके, जो मेजर जो लगती है वो है फ्लाई ऐश लगती है। ओके, और सैंड डस्ट लगती है उसके बाद। जहाँ पर सैंड डस्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ पर लोग रिवर सैंड यूज कर सकते हैं, रेत यूज करती है वहाँ पे। हाँ बिल्कुल, है ना, क्रेशर डस्ट अगर अवेलेबल है लो कॉस्ट पे तो उसको यूज कर सकते हैं। ओके, अगर इन केस अगर क्रेशर डस्ट उनके एरिया में नहीं अवेलेबल है तो वो आप रिवर सैंड यूज कर सकते हैं। ओके, और ओपीसी सीमेंट एक मैंडेट होती है। ओके, अगर इन केस ओपीसी सीमेंट भी आपके एरिया में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो पीपीसी सीमेंट आप यूज कर सकते हैं, बट विद हार्डनर, है ना, उसको हार्डनर आपको यूज करनी पड़ेगी ताकि वो एक सही समय पे वो प्रिपेयर हो जाए, है ना। एक फ्लाई ऐश ब्रिक्स को बनने में नॉर्मली 10 to 15 days लगती है उसको रेडी होने में। ओके, आप 15 days तक रखेंगे तो वो M10 का जो स्ट्रेंथ है वो जाके कैच करेगी। मतलब M10 यहाँ पर मिलना चाहिए उसको, M10 स्ट्रेंथ नॉर्मली जो गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से M10 की स्ट्रेंथ आनी चाहिए एक फ्लाई ऐश ब्रिक्स में। ओके, कोई भी गवर्नमेंट टेंडर होती है तो उसमें स्ट्रेंथ उसकी मेंशन रहती है M10, अगर उसको अचीव करना है तो ओपीसी सीमेंट आपको यूज करना है, इनकेस ओपीसी ना मिले तो आप पीपीसी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि सर ने बताया कि अगर आपको फ्लाई ऐश ईटा बनाने की अगर उद्योग स्टार्ट करना है तो इसके लिए जो आपका जो प्राइमरी रॉ मटेरियल है आपको फ्लाई ऐश लगने वाला है। फ्लाई ऐश जो है आपको पावर प्लांट में जो है आपको बहुत सारे मिल जाएगा, आपको वहाँ से ऑर्डर ले सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको स्टोन डस्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। आपने स्टोन क्रशर देखा होगा, वहाँ पे जो है आपको स्टोन डस्ट ये देखने को मिल जाएगा। अगर आपके एरिया में स्टोन डस्ट अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे जो है आप बालू यूज़ कर सकते हैं जिसको आप लोग रेत बोलते हैं। तो रिवर में जो है रेत आपको मिल जाते हैं, तो आप देख सकते हैं ये जो है आपका स्टोन क्रशर डस्ट है, ठीक है ना, जहाँ पे गिट्टी बनाए थे गिट्टी का ही ये डस्ट है। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे सीमेंट यूज़ करना है। सीमेंट कौन सा यूज़ करना मैं आपको दिखा देता हूँ, आइए। सीमेंट यहाँ पे जो है आपको ओपीसी सीमेंट यूज़ करना है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, यहाँ पे दिखा दीजिए, देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। यहाँ पे ग्रेड भी देख सकते हैं 53 इसका ग्रेड है, तो आपको बेसिकली यही यूज़ करना है। इसके अलावा अगर आप पीपीसी अगर सीमेंट यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको उसमें हार्डनर मिक्स करना पड़ेगा। तो बेसिकली जो है आप इसी तीन रॉ मटेरियल में जो है फ्लाई ऐश का ईंटा जो है आप बना सकते हैं। इसके अलावा बहुत जगह पे जो है इसको चूना और जिप्सम के थ्रू भी जो है बनाया जाता है, जो जिसका जो है हार्डनेस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो डिपेंड आप पे करता है कि आपके लोकेशन में जो है कौन कौन से रॉ मटेरियल अवेलेबल है, इसी के हिसाब जो है आप अपना फ्लाई ऐश ब्रिक जो है मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको लाइसेंस बता दिया, रॉ मटेरियल बता दिया क्या यूज़ होगा। अब हम लोग यहाँ पे प्रोसेस देखेंगे कि मशीन में किस प्रकार से प्रोसेस होकर यहाँ पे फ्लाई ऐश ईटा बनता है, ठीक है। चलिए अब मैं दिखाता हूँ कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स की जो प्रोडक्शन प्रोसेस होती है उसको समझते हैं हम लोग कि किस ढंग से प्रोडक्शन करना है, किस ढंग से सारी रेशियो में मिक्स करनी है रॉ मटेरियल्स को, है ना। तो आइए समझते हैं उसको। ये पेन मिक्सर है जिस पे सारी रॉ मटेरियल्स मिक्स होती है। ओके, इस पे हमारा ओपीसी सीमेंट, फ्लाई ऐश जो आपकी आती है और नॉर्मली पावर प्लांट से वो, और स्टोन डस्ट या फिर रिवर सैंड जो भी आपकी अवेलेबिलिटी है उसको इस पैन मिक्सर में मिक्स किया जाता है। पैन मिक्सर में मिक्सिंग होती है सारी मटेरियल। इस तरह प्रॉपर मिक्सिंग होने के बाद एक प्रॉपर रेशियो में आपको वाटर डालना है। प्रॉपर मिक्सिंग के बाद कन्वेयर के थ्रू वो हॉपर पे जाती है मशीन की। आइए फिर मैं दिखाता हूँ किस तरह से प्रोडक्शन प्रोसेस चलती है। कन्वेयर बेल्ट के थ्रू हॉपर में इस तरह रॉ मटेरियल्स आती है और फिर यहाँ पर मशीन को ऑन किया जाता है और ये इस तरह से प्रोडक्शन ऑन होती है ना। प्रोडक्शन ऑन होकर इस तरह से कंटिन्यूस बाहर निकलती है और फिर उसको जो लेबर्स हैं उसको प्रॉपर स्टैक करते हैं। ये प्रोडक्शन प्रोसेस है कंप्लीट। ये 6 ब्रिक्स की मशीन है, एक बार में 6 ब्रिक्स निकल रही है। रियल निकलने के बाद उसको प्रॉपर स्टॉक किया जाता है वहाँ पर, है ना। स्टॉकिंग के बाद आज की जो फर्स्ट डे की जो प्रोडक्शन है वो शेड के अंदर ही रहेगी। फर्स्ट डे की प्रोडक्शन हमारे शेड के अंदर रहना है। उसके बाद जो कल होगी नेक्स्ट डे उसको जो टीम है जो वर्कर्स है उसको बाहर करेंगे और फिर उसको क्यूरिंग करेंगे, है ना। आपको 3 to 4 days की क्यूरिंग करनी है और आप जो मटेरियल जब आपके 10 to 15 days में रेडी हो जाएगी प्रॉपर सप्लाई के लिए। तो अब हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट की कि आपको फ्लाई ऐश ईटा बनाने का जब भी आप इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो आपको टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आने वाला है। जैसे कि मशीनों के अलग अलग प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ मशीन अपने पास मैन्युफैक्चर होती है। 6 ब्रिक्स, 8 ब्रिक्स, 10 ब्रिक्स, 12 ब्रिक्स, है ना। ये सारी प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ मशीन की कैविटी है। ओके, जैसे भी प्रोडक्शन के हिसाब से आपकी प्लानिंग है उस हिसाब से ये सारी इन्वेस्टमेंट आपकी आएंगी।
सपोज अगर आप 6 ब्रिक्स की एक प्लांट को प्लान कर रहे हैं, इसके प्रोडक्शन कैपेसिटी 8 to 10,000 होती है पर डे, तो इसकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 20 से 25 लाख आती है। ओके, टोटल जो इन्वेस्टमेंट है आपकी शेड की है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, मशीन की कॉस्ट है, प्लाई की कॉस्ट है, जो जो मेजर कॉस्ट है वो 20 से 25 लाख तक में आपको एक 6 ब्रिक्स की प्लांट स्टार्ट होगी। अगर आप 8 ब्रिक्स की मशीन पे जाते हैं या फिर 10 ब्रिक्स की मशीन पे जाते हैं तो इसकी जो टोटल कॉस्टिंग आती है वो 30 से 35 लाख आती है। ओके, और अगर आप 12 ब्रिक्स पे जाते हैं तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 40 लाख की इन्वेस्टमेंट आपकी अराउंड इस पे आएगी। अगर आप 6 ब्रिक्स अगर बनाने वाली मशीन को अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हैं उसके थ्रू अगर आप सेटअप करना चाहते हैं अपना फ्लाइस इंडस्ट्री को, तो इसके लिए जो है आपका 20 से 25 लाख का इन्वेस्टमेंट आने वाला। अगर आप 8 या 10 अगर ईंटें बनाने वाला आप मशीन लेते हैं और उस पर आप इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो आपको 30 से 35 लाख आपका इन्वेस्टमेंट आने वाला है। तो अब हम लोग यहाँ बात करेंगे कि एक ईंट बनाने के लिए कितना कॉस्टिंग आता है। तो जो कॉस्टिंग होती है फ्लाइस ब्रिक्स की जो बनाने मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉस्ट है, ये डिपेंड करती है कि आप किस एरिया पे अपना प्लांट प्लान कर रहे हैं, है ना। ये ऑलवेज सपोज अगर एक पावर प्लांट आपके बहुत नजदीक है तो आपको एक जो रॉ मटेरियल है फ्लाइस जो वो आपको कम रेट में मिलेगी। अगर सपोज आप रिवर साइड में अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं तो रिवर साइड आपको कम कॉस्ट पे आएगी। अगर आप कोई ऐसा जहाँ पर आपका स्टोन क्रशर इजिली अवेलेबल है तो वहां पर आपको एक अलग कॉस्ट में आएगी। तो ये डिपेंड करेगा ऑलवेज रॉ मटेरियल किस रेट में अवेलेबल है। जैसे मैं झारखंड की अगर बात करूं, है ना, झारखंड में जैसे कि नॉर्मली स्टोन डस्ट इजिली अवेलेबल है। ओके, पावर प्लांट भी यहाँ पर काफ़ी है और यहाँ की जो ब्रिक की साइज़ है दैट इज़ 943, है ना। तो उस हिसाब से अगर उसकी कॉस्टिंग को कैलकुलेट करें झारखंड के हिसाब से 943 की, तो इट विल कॉस्ट ये अराउंड 3 रुपीज़। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं फ्लाइस ब्रिक्स की, तो 3 रुपये में झारखंड में फ्लाइस ब्रिक्स की जो साइज़ होती है 943 वो मैन्युफैक्चर होती है। तो अगर मैं बिहार की बात करता हूँ तो वहाँ की ब्रिक की जो नॉर्मल साइज़ होती है वो दैट इज़ 10.53, है ना, 10.53 की साइज़ बनती है वहाँ पर। वहाँ पर हमारा क्या है, पावर प्लांट जो है अगर नज़दीक नहीं है तो वहाँ की जो कॉस्टिंग एक अलग आती है। अगर 4 से 4.5 रुपये में वहाँ फ्लाइस ब्रिक्स बनती है, बिहार के जो एरिया की बात करता हूँ मैं। रॉ मटेरियल पे डिपेंड करती है कि कहाँ पर इजीली अवेलेबल है, तो 4 से 4.5 रुपये में बनती है मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे जो आपका एक ब्रिक बनाने का जो कॉस्टिंग है ये टोटली डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कि जितने भी रॉ मटेरियल इसमें लगने वाले हैं वो कितना जल्दी आपको मिल जा रहा है और वहाँ पर क्या कॉस्टिंग है। अगर जैसे मैं बात करूं यहाँ पे स्टोन डस्ट क्रशर की, तो स्टोन डस्ट क्रशर का हो सकता है कि आपके एरिया में अलग कॉस्ट हो, हमारे एरिया में अलग कॉस्ट है, तो उस पर ही एक डिपेंड करता है कि आपको एक फ्लाइस ब्रिक बनाने में कॉस्टिंग कितना आता है। ऐसे अगर हम लोग एवरेज बात करें तो यहाँ पे जैसे सर ने बताया कि झारखंड में जो है आपको 3 रुपया जो है एक ब्रिक्स बनाने का कॉस्टिंग आता है। अगर बिहार में बात करें तो 4 से 4.5 रुपये आपका कॉस्टिंग आता है। आपने देखा कि यहाँ पे एक ब्रिक्स बनाने का क्या कॉस्टिंग आता है, तो अब हम लोग सर से पूछेंगे कि इस ब्रिक को जो है आप मार्केट में कितना में सेल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इसके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अराउंड 3 रुपीज़ आती है। ओके, और आज के मार्केट में अगर झारखंड की मार्केट की मैं बात करता हूँ तो ये 4.5 से 5 रुपये में सेल हो रही है। ओके ओके, तो इसमें 1.5 से 2 रुपये के मार्जिन यहाँ पर आ रही है झारखंड में, 1.5 से 2 रुपये मार्जिन आ रही है। बिल्कुल ओके, है ना, तो ये मार्जिन अभी यहाँ पर आ रही है। और अगर बिहार की मैं बात करूँ तो वहाँ पर 4 से 4.5 रुपये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और कहीं पर 6.5 में सेल हो रही है तो कहीं 7.5 में सेल हो रही है। ओके, है ना, तो ये जो मार्जिन है एक पीस में ये आज के डेट में आ रही है, मतलब 2 रुपया 2.5 रुपये के बीच मिल जा रहा है बिहार मार्केट। एवरेज कॉस्ट अगर हम लोग देखें तो 1.5 से 2 रुपया आ रही है वहाँ पे। बिल्कुल, तो ये चीज़। तो यहाँ पे सर जैसे कि पर डे प्रोडक्शन में टोटली डिपेंड करता है कि वो महीने में कितना कमा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, पर डे आप जितनी बड़ी मशीन लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रोडक्शन होगी, है ना, उसके अकॉर्डिंग आपकी मार्जिन आएगी, है ना। सपोज 6 ब्रिक्स की मशीन लगा रहे हैं तो वो 8 से 10 हज़ार की प्रोडक्शन करती है। अगर आपकी प्लांट 20 से 25 दिन भी चलती है तो अराउंड 2 लाख ब्रिक्स आपका निकलता है। उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो है कैलकुलेशन करेंगे तो 2 से 3 लाख का एवरेज बन जाता है। मतलब आपका कहना है कि अगर हम लोग इसमें कमाई की बात करें तो यहाँ पे हम लोग जो है 3 लाख तक जो है हम लोग मंथली कमा सकते हैं आराम से। बिल्कुल, अगर आप प्रॉपर सेल करने का आपका पूरा ये है, प्रॉपर आपकी कस्टमर बेस है, आपकी मार्केटिंग बहुत बेहतर है, तो आप 2 से 3 लाख का काम इस पे मंथली कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ कि आप जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं फ्लाइस ब्रिक का तो उसको सेल करना भी जरूरी है। जब तक आप सेल नहीं करेंगे तो आपको ये 3 लाख वाला जो मंथली प्रॉफिट है वो आपको नहीं मिलने वाला है। तो भैया यहाँ पे जो है आपको मार्केटिंग अच्छे से करनी पड़ेगी। तो मार्केटिंग आप इसका कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग सर से जानते हैं। सर यहाँ पे जो है आपको मार्केटिंग के बारे में काफ़ी अच्छा आपको जानकारी देंगे। सर यहाँ पे हम लोग इसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोग प्रोडक्शन करने के लिए तो कर देते हैं। जी बिल्कुल, तो उसको सेल कहाँ कहाँ करना है सर? कभी भी कोई भी प्लांट अगर प्लान कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, मार्केट रिसर्च इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना। आपको ऑलवेज एक बेटर मार्केट रिसर्च करनी है, किस तरह की डिमांड है, किस तरह की प्रोजेक्ट्स है, किस तरह की प्रोजेक्ट्स आने वाली है, है ना, सारी चीज़ों के बारे में एक प्रॉपर मार्केट रिसर्च करेंगे आप। और जितनी भी गवर्नमेंट टेंडर्स है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जितनी भी गवर्नमेंट टेंडर्स हैं उस पर हर जगह पर फ्लाइस ब्रिक्स ही लगनी है आज के डेट में। तो ये गवर्नमेंट से हमें एक तरह का सपोर्ट मिल रहा है, आपको बस एक जो प्रॉपर अप्रोच लेनी है कहाँ पर हम बात करें, कहाँ मार्केटिंग करें। और जितने भी बिल्डिंग्स बन रही हैं, जितने भी स्कूल्स बन रहे हैं, जितने कॉलेजेस बन रहे हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस आजकल काफ़ी जो भी बन रही है, हर जगह पे फ्लाइस ब्रिक्स लग रही है। तो एक बहुत बड़ी मार्केट है वहाँ पर, आप जहाँ पर काम कर सकते हैं।
और ये मार्केट आज जिस स्टेज पे है ये ऑलवेज ग्रो ही करेगी, है ना, क्योंकि रेड ब्रिक्स पे पूरी तरह बैन हो रही है ना, सिर्फ इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रही है ना, उसके लिए क्या है कि रेड ब्रिक्स पे पूरी तरह बैन हो रही है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। तो ये ऑलवेज ग्रोइंग स्टेज पे है हर क्षेत्र में, ऑल ओवर इंडिया में फ्लैश ब्रिक्स बहुत बन रहे हैं आज के डेट में। आप कहीं भी देखेंगे फ्लैट्स, तो सारे जो भी फ्लैट्स बन रहे उस पर फ्लैश ब्रिक्स ही यूज़ हो रही है ना। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, आप वहाँ भी एक अपना ट्राई कर सकते हैं, एक रिसर्च कर सकते हैं कि किस तरह के फ्लैट आपके एरिया में बन रही है या सिटी में बन रही है, आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं ना, एक बेहतर अपॉर्चुनिटी फ्लैट में भी हमारा। तो यहाँ पे मार्केट गैप काफ़ी ज़्यादा है, तो आप लोग मार्केट को उसकी फुलफिल करना है, फुलफिल तभी कर पाएगा जब आप मार्केटिंग इसकी अच्छे से कर पाएगा। तो सर ने जैसे आप बताया जहाँ जहाँ आपको अप्रोच करना है वहाँ अप्रोच कीजिए, डेफिनेटली आप इसका मार्केटिंग अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे सर के मशीन जहाँ बनते हैं वहाँ का वर्कशॉप विजिट करेंगे, वहाँ पे सर से बात करेंगे कि वहाँ पे मशीन कितने कैटेगरी के बनते हैं, वहाँ पे आप लोग क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और भी फ्रेंड्स फाइनली जो है मैं महावीर इंडस्ट्री के वर्कशॉप आ चुका हूँ जहाँ पे फ्लाई ऐश ईंटा बनाने की मशीनें बनती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पैन मिक्सर रखा हुआ है, यहाँ पे जो है आपको अलग अलग कैपेसिटी के मशीन देखने को मिलेंगे। तो अब हम लोग जो है इस मशीन के पूरी डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे इनके ऑनर से। सर सबसे पहले जो है आप मशीन के बारे में बताइए कि यहाँ पे कितने कैपेसिटी की जो है आप मशीन बनाते हैं, इसके अलावा आप ये भी बताइए कि कंपनी तरफ से क्या क्या सपोर्ट मिलता है। पहले आप मशीन के बारे में पूरा डिटेल बताइए हमारे व्यूअर्स को। मेरे पास बेसिकली 6 ब्रिक्स, 8 ब्रिक्स, 10 ब्रिक्स एंड 12 ब्रिक्स, है ना, इस तरह की मशीन मैन्युफैक्चर होती है। आइए पहले 6 ब्रिक्स मशीन को हम लोग देखते हैं, समझते हैं। ये 6 कैविटी की मशीन है जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 8 से 10 हज़ार है। ये पूरी जो मशीन है इसकी जो मेन प्लेट है ये 25 mm की प्लेट में मैन्युफैक्चर होती है। ये मेन मशीन है इसकी, मेन मशीन के बाद जो इसकी दूसरी पार्ट है दैट इज़ फीडर, है ना, ये फीडर है मशीन की। ये भी बहुत हैवी क्वालिटी में बनती है, सारी जो प्लेट्स है वो हैवी यूज़ होती है, यहाँ 20 mm यूज़ होता है। जो चैनल वगैरह है वो भी हैवी यूज़ होती है। उसके बाद जो है जो इस पे मशीन पे और भी जो पार्ट्स है दैट इज़ पावर पैक, है ना, जो इस मशीन की हर्ट है जो इस मशीन को रन करती है वो इसकी पावर पैक है। ये 6 ब्रिक्स की मशीन में 10 HP की मोटर के साथ ये कंप्लीट पावर पैक रेडी होती है। इस पे सारा आपका यूके एंड इंडिया का सारा प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है, कहीं भी क्वालिटी में अपना कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, यूके एंड इंडिया की सारी जो है वॉल वगैरह यूज़ होती है। इसके बाद मशीन की जो नेक्स्ट पार्ट है वो पैनल है। ये 6 ब्रिक्स मशीन जो है इसकी ये ऑपरेटिंग पैनल है जिससे इस मशीन को ऑपरेट करते हैं। इसके लिए एक ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होती है जो हमारी टीम जाती है, पूरे इसके स्ट्रक्चर को समझाती है, किस ढंग से काम करना है, किस वे में इस पैनल को ऑपरेट करना है, वो सारा कुछ आपको बताती है। इस मशीन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो पैन मिक्सर है। 6 ब्रिक्स मशीन के साथ एक सिंगल पैन मिक्सर जाती है, है ना, ये इसके 600 कैपेसिटी के साथ एक पैन मिक्सर जाती है, और साथ में इसके कन्वेयर बेल्ट जाती है। कन्वेयर बेल्ट से जो रॉ मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल इस पे मिक्स होती है। दो रोलर भी इस पे लगे हुए रहते हैं जिसपे फ्लाई ऐश, स्टोन डस्ट और सीमेंट मिक्स होती है। मिक्सिंग होने के बाद ये कन्वेयर बेल्ट के थ्रू 6 ब्रिक्स मशीन पे जो हॉपर होती है हॉपर पे जाती है, और हॉपर से फिर वो नॉर्मल प्रोडक्शन के बाहर निकलती है और लेबर स्टैक करते हैं। ये पूरी सिस्टम है। अभी हम लोगों ने 6 ब्रिक्स मशीन को देखा, है ना, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं 10 ब्रिक्स मशीन की, है ना। ये 10 केविटी की मशीन है, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी पर आवर 2000 है ना, तो पर डे ये 16,000 तक की प्रोडक्शन करते हैं ये मशीन। ये कंप्लीट सेट आती है। अपने पास 6 ब्रिक्स, 8 ब्रिक्स, 10 ब्रिक्स, 12 ब्रिक्स, जैसे भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग मशीन बनती ही रहती है। तो अगर आप लोगों में से कोई भी लोग अगर फ्लाई ऐश ईंटा बनाने का अगर उद्योग स्टार्ट करना चाहते हैं, आप लोगों को मशीन चाहिए, तो मैं इनका नंबर जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिस पे आप कॉल करके जो है आप मशीन की पूरी जानकारी ले सकते हैं, मशीन का क्या प्राइस है। यहाँ पे हर एक मशीन का अलग अलग प्राइस है, इसलिए मैं वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ। तो अब हम लोग यहाँ बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पे महावीर इंडस्ट्री से फ्लाई ऐश ईंटा बनाने के मशीन परचेस करते हैं तो कंपनी आपको किस प्रकार से सपोर्ट करेगी और कितने सालों तक के लिए सपोर्ट करने वाली है आपको। न्यू मशीन की जो ऑर्डर प्रोसेस है वो ऐसा कि कोई भी कस्टमर अपने पास आते हैं, वो अकॉर्डिंगली जो भी उनकी कैपेसिटी है की प्रोडक्शन उनको चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो मशीन को चूज़ करते हैं, है ना। सारी मशीन को चूज़ करने के बाद वो अपना लोगो वगैरह फाइनल करते हैं, और फिर वो एडवांस करने के बाद अपने पास मशीन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाती है। मशीन मैन्युफैक्चर होने के बाद फिर जब यहाँ पर रेडी हो जाती है तो कस्टमर खुद यहाँ विजिट करते हैं, चीज़ों को देखते हैं। हम लोग जो मशीन है उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में यही डालते हैं, उनके जो लोगों के साथ है मशीन को प्रोडक्शन यहाँ पर करने के बाद ब्रिक्स की जो क्वालिटी है वो कस्टमर चेक करते हैं कि किस क्वालिटी की ब्रिक्स अपनी बन रही है। जब वो सेटिस्फाइड होते हैं हर चीज़ से, क्वालिटी वगैरह से, फिर मशीन डिसमेंटल होकर फिर कलर होती है और फिर डिस्पैच होने के लिए रेडी होती है। जिस भी गाड़ी पे अपनी मशीन अटैच होती है उस पर क्या है कि लड़के भी साथ में जाते हैं वहाँ कस्टमर के यहाँ पर, वो मशीन को वहाँ पर हाइड्रा के थ्रू उसको वहाँ पर लोकेशन पे सेट करवाते हैं। सारी मशीन को कंप्लीट सेटअप करने के बाद उसको गाइड किया जाता है कि किस ढंग से आपको काम करना है, सर क्या करना है, क्या वायरिंग वगैरह करना है। सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद हमारी टीम जो है गाइड करने के बाद वहाँ से वापस आती है, और जब कस्टमर सारा कुछ अपना वहाँ पर रेडी कर लेते हैं
फिर नेक्स्ट टीम जाती है उसको स्टार्ट करने के लिए, वो इंस्टॉल करके पूरा वो स्टार्ट करती है मशीन को, उनको गाइड करते हैं कितना किस रेशियो में क्या मिक्स करना है, सारा कुछ गाइड करने के बाद वन ईयर तक की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी महावीर इंडस्ट्रीज निभाती है कि उस पर जो कुछ भी फॉल्ट आती है, कोई भी बड़ी फॉल्ट आएगी छोटी फॉल्ट आएगी सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वन ईयर तक, है ना। उसके लिए सर्विस के लिए कोई भी चार्ज आपको कस्टमर को नहीं पे करना है, ना ही उनको कोई पार्ट्स के लिए भी पे करना है, अगर कोई पार्ट्स भी डैमेज हो रही है क्या हो रही है वो सारी कुछ हमारी जिम्मेदारी होती है। बस जो जो हमारी जो टीम जाती है उनका एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कस्टमर बेयर करते हैं। आज के डेट में अगर हम लोग महावीर इंडस्ट्रीज के कस्टमर बेस की बात करें तो अराउंड 400 to 500 मशीन्स हमारी लगी हुई है पूरे ऑल ओवर इंडिया में आज के डेट तक। ओके, तो कहीं भी कस्टमर कॉल करेंगे तो मैक्सिमम चांसेस है कि वहाँ नियर बाई कोई प्लेसेस में मशीन होगी तो वो वहाँ जाके देख भी सकते हैं, है ना। और इनकेस अगर नहीं है तो वो प्लांट विजिट करके वो चीज़ों को देख के आके समझ सकते हैं। हमारे प्लांट में विजिट करना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस रिफ्लेक्ट कर रहा होगा नीचे स्क्रीन पे, आप वो एड्रेस देख के वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। ये प्लांट जो है ये धनबाद में है, सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपनी धनबाद में है, आप यहाँ विजिट कर सकते हैं कभी, आपको स्क्रीन पर वो रिफ्लेक्ट कर रही होगी एड्रेस हमारा। फ्रेंड्स, आपने देखा कि यहाँ पे जो महावीर इंडस्ट्री के ऑनर है वो आपको पूरा मशीन के डिटेल आप प्रोवाइड किए। इसके अलावा यहाँ पे जो है आपको कंपनी की तरफ से बहुत सारे सपोर्ट दिए जाते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि अगर मशीन में एक साल तक कोई भी फॉल्ट आता है तो यहाँ पे जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दिया जाता है। बस यहाँ पे जो भी इनके बंदे जाएंगे आपके प्लांट पे तो उनका जो है एकोमोडेशन और फूडिंग जो है और ट्रांसपोर्टेशन जो है आपको बेयर करना पड़ेगा, बाकी जो है एक साल तक जो है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोग के लिए अपॉर्चुनिटी अच्छा है, अगर आप यहाँ महावीर इंडस्ट्री से मशीन परचेस करते हैं तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। प्लस यहाँ पे जो है आपको बहुत ही एक रीजनेबल रेट पे जो है यहाँ पे ये सारे मशीन प्रोवाइड। और वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं महावीर इंडस्ट्री के ऑनर्स को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती समय दिया और आप लोगों को एक इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोग प्रोवाइड किया गया।